अगर आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरे चैनल पर आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद इकरा। मैं आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्वीट डिश की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए कस्टर्ड फालूदा की रेसिपी, जो कि विदाउट आइसक्रीम बनने वाला है। आजकल आइसक्रीम हम थोड़ी अवॉइड ही कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा फालूदा खाने का तो बहुत दिल चाहता है, तो क्यों ना थोड़ा सा चेंज किया जाए और थोड़ा डिफरेंट वे में उसको बनाया जाए। तो आज हम बनाएंगे कस्टर्ड फालूदा। इसमें हम कस्टर्ड डालेंगे, जिसके लिए आपको चीज़ें चाहिए, सारी वही चीज़ें हैं जो फालूदे में डलती हैं। ये रहा मेरे पास एक फ्रूट कॉकटेल का मैंने केन ले लिया है। अगर आप लोग ये ना लेना चाहें तो आजकल तो मार्केट में बहुत फ्रूट्स आए हुए हैं सीजनल, वो भी ले सकते हैं। मैंगो और जो भी आपको पसंद हो अपनी पसंद का फ्रूट ले सकते हैं, या चाहें तो खाली पाइन एप्पल का कैन भी ले सकते हैं। बाकी इसमें जाएंगी 2 अदद ये जेलीज। 2 कलर की हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा और जब हम उसे असेंबल करेंगे तो कलर्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास 2 कलर्स में ना हो जेलीज तो आप लोग एक भी ले सकते हैं, और कलर आप लोग अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। बाकी ये जो है ये फालूदा सिवैयाँ जो होती हैं, जो हम लोग अक्सर लबेशीरी वगैरह में डालते हैं, ये वो वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसकी दूसरी वाली रेसिपी चाहिए जो असली फालूदा होता है, वो मेरी बहन के चैनल पर आपको मिल जाएगा। फालूदा रेसिपी के नाम से उनके चैनल पे अपलोड हुई हुई, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। कुक विद किचन विद नौरीन उनके चैनल का नाम है। बाकी ये नट्स हैं थोड़े से बादाम पिस्ते, ये तो गार्निश के तौर पे हम यूज़ करेंगे। बाकी कस्टर्ड ले लेंगे 2 चमचे, ये भर भर के मैंने 2 टेबलस्पून लिया हुआ है, लेकिन हम जितना लेंगे जितना डालना होगा उतना ही लेंगे। बाकी इसमें ये दूध ठंडा है, इसको इसके साथ मिलाकर हम गर्म दूध में डालेंगे, और दूध जो है वो मैंने पकने के लिए ऑलरेडी चूल्हे पर रखा हुआ है। चीनी जो है इसमें 1/2 कप जाएगी, ये 1/2 कप चीनी है, ये भी मैं चेक करके डालूंगी, मीठा चख लूँगी। और बाकी 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है जो कि चूल्हे पर है। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये 1/2 लीटर दूध मैंने लिया हुआ है, उसको मैंने बॉइलिंग पर रख दिया था, तो ये पहले ही बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, 1/2 कप सारी डाल दूँगी, इतनी ज़्यादा मीठी 1/2 कप नहीं करेगी इसको। कस्टर्ड बनाने का तरीका तो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसमें ना तो दूध को ज़्यादा पकाना होता है, बस एक उबाल आता है तो हम इसमें चीनी मिला देते हैं। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाती है अच्छी तरह से, थोड़ी देर पकाने के बाद बिल्कुल 2-3 मिनट, उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड घोल के डाल देते हैं। तो बस चीनी तो अब घुल जाएगी, जब तक हम कस्टर्ड को घोल लेते हैं इसमें डालने के लिए। कस्टर्ड मैंने ले लिया है 2 चमचे, इसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी जो मैंने ठंडा दूध रखा था। याद रखें कस्टर्ड हमेशा ठंडे दूध में ही घोलते हैं तो उसमें गुठलियाँ नहीं बनती। अब हम कस्टर्ड को घोल के इसमें, बहुत सिंपल है, सिंपल कस्टर्ड बना लेंगे, और बाद में जो मैंने आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स सिखाए हैं उससे हम लोग असेंबलिंग करके इसका ग्लास में, अगर चाहें तो आप लोग ग्लासेस में ना करें तो आप लोग इसको बोल में भी असेंबल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फालूदा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे ग्लास में ही करेंगे। तो ये देखें ये हो गया है, अब मैं इसे दूध में डाल दूँगी। ये देखें अब मैं इसमें कस्टर्ड जो मैंने घोला है वो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके और इस तरह से हिलाती भी डालूँगी ताकि लम्प सा बन जाए, और बस ये मैंने पूरा डाल दिया है जितना मैंने कस्टर्ड घोला था, तो पूरा साफ़ कर लेंगे। और अब हम इसे थोड़ा सा चला देंगे, अगर कोई लम्स होंगे वो सब इससे चलाने से ख़त्म हो जाएंगे। कस्टर्ड डालने के बाद 2 मिनट पकाऊंगी, जब अच्छी तरह से पक जाएगा 2 मिनट में, फिर उसके बाद इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। ये देखिए कस्टर्ड ठंडा हो गया पूरी तरह से, और अब हम इसकी असेंबलिंग करना शुरू करेंगे। मैंने ये ग्लास ले लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो लंबे वाले ग्लास होते हैं थोड़े, मैंने वो लिए हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है मेरा ग्लास जैसा होता है फालूदे का, लेकिन जो आपके पास घर पे अवेलेबल होगा हम उसी पे बनाएंगे, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। घर में बनाने का एक यही फ़ायदा रहता है कि जो आपके पास हो आप उसी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर, आप लोग 1 बाय 1 कुछ भी असेंबल कर सकते हैं अपनी पसंद से। मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगी ये जेली, क्योंकि ये
थोड़ा सा कलरफुल रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने दोनों ग्लासेस में थोड़ी थोड़ी, सबसे पहले ये वाली पर्पल वाली जेली डाल दी है जो ब्लैक करंट की है। अब मैं इसमें डालूंगी ये कस्टर्ड, उठा लेती हूँ मैं, मुझे इजी रहेगा उठा लेने से। इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे। कस्टर्ड डाल दिया मैंने, और अब ये जो मैंने अपने पास फालूदा बना के रखा हुआ था इसको थोड़ा पानी में ही डिप करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होकर जम जाता है। अब मैं इसको ये डाल दूँगी इसमें ग्लास में। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी रेड वाली जेली। रेड जेली से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है कोई भी चीज़। और अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने फ्रूट कॉकटेल रखा हुआ है अपने पास, ये देखिए बिल्कुल फालूदे की शक्ल लग रही है, जैसा रियल फालूदा होता है, बस आइसक्रीम की कमी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और अब जो इसमें थोड़ी बहुत जगह नज़र आ रही है, अब मैं उसमें बाकी का रिमेनिंग कस्टर्ड डाल के इसे फुल करेंगे, क्योंकि फालूदे का जो ग्लास होता है वो बिल्कुल फुल होता है और इसमें जो स्पेस है फ्रूट्स की उसके अंदर से ये कस्टर्ड जब जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब हम इसमें ऊपर से ये बादाम पिस्ते की गार्निश कर देंगे थोड़ी सी, क्योंकि फालूदे में ज़रूर ऊपर से हुई हुई होती है गार्निशिंग। और एक मैं इसमें लगा दूँगी चेरी, क्योंकि फालूदे पे चेरी भी होती है, और दो तीन काजू रख दूँगी। और बस ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फालूदा तैयार हो गया है, विदाउट आइसक्रीम फालूदा। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। एक मैंने आप लोगों के सामने पूरी असेंबल की है, दूसरी भी मैंने कर ली है, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अभी तक मैंने इसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी लग रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विदाउट आइसक्रीम है तो कोई भी खा सकता है बिना किसी डर के गला ख़राब हो गया या जो कुछ भी है, इसको आप लोग आराम से खा सकते हैं। और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल पर आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।